क्योंकि मैं अपना शिकार खुद करती हूँ। तुम लोग मेरे अंडर हो और कोई और तुम्हें इस कंपटीशन से निकाले वो मुझे मंजूर नहीं। After all, हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए, correct? और तुम दोनों भाई बहन को पनिशमेंट देने में मुझे डबल मजा आएगा। वो लड़कियों का काम है ना जो? कमाल है, ये बाइक वाली तो बाइक लेके पीछे पड़ गई, इसका पेट्रोल चुराऊंगा। ओ बाबा जी, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है कि जो भी नया कोच आता है वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाता है। ये सब तो बाबा जी क्यों पूछ रहा है, खुद से पूछ लिया करना। हाँ वो भी ठीक है, चल पढ़ाई कर लेते हैं। दर्जी बेबी जरा खेती करो ना, है सलाद ही रह गया, बाकी सब हो गया है, क्या खेती करो। वो कर रही है ना, है मशीन थोड़ी ना हूँ, कर रही हूँ मैं। और तूने भी ना क्वीन विक्टोरिया को ये काम थमा दिया। बेबी आप हटो, मैं करनी है। तो कर फिर, मैंने की है। नहीं तो काश शादी के मंडप से ये ऐसे उड़ जाती ना तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती। क्यों अभी पारा क्यों चढ़ा हुआ है, ठंड रखो, डिलीवरी में टाइम है अभी। खाने की डिलीवरी तो हो जानी है, चिंता तो इस बात की है कि बच्चे टेस्ट में क्या डिलीवर करेंगे। एक किताब तो हम अरेंज नहीं कर पाए, पता नहीं अब बच्चे क्या तैयारी कर रहे होंगे। हेलो भाई, अपना जोगी बहुत जुगाड़ू है, कोई ना कोई जुगाड़ कर लेगा। हाँ देखना, और जस्सी उसको तो सब कुछ याद ही होना है। हाँ मैंने पता है, और जे रटा हुआ किताबों का याद नहीं भी आया तो वो बचपन की दारजी बेबी की वो कहानियां, उनकी सीखें और वो गुरुद्वारे के पाठ, ते वो शहीदों के सीरियल नहीं होते थे उसमें कितना कुछ सिखाते थे, उससे याद आ जाएगा उनको। और रटी रटाई चीजों से नहीं, असली नॉलेज से जीतेंगे अपने बच्चे। हाँ आज है ना हिम्मत जवाब दे रही है। कुलविंदर जी बहु वड्डा पहाड़ चढ़ना है अपने परिवार को, बस आने वाले कुछ ही दिनों में। ओए मेरी सोनी सी डार्लिंग, पहाड़ चढ़ने में तेरे से ज्यादा कोई माहिर है? हाँ अब मैं तो देखा नहीं आज तक, बेस कैंप तक तो तूने पहुंचा ही देता है, आगे मैं भी कराऊंगी कुछ मदद कि नहीं। हाँ नहीं तो जो प्रिंसिपल की दी हुई डेडलाइन है ना 10 दिन में फीस भरने की, वो है अपना माउंट एवरेस्ट, और माता का जयकारा लगा के आपने चढ़ जाना है, तो देखी तो सही। हाँ नहीं तो ठीक कह रहे हो आप कुलविंदर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप देखना आज का ये ऑर्डर है ना, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंप्रेस हो जाएंगे सबके सब, फिर हमको और ऑर्डर मिलेंगे हैं, और हम उसे पूरा भी करेंगे करेंगे करेंगे। ये 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 इसे तो मैं कहना है कि पॉजिटिव एनर्जी, एकदम पॉजिटिव एनर्जी। और हुनते मैं भी लाइन पे आ गया हैं, मैं भी हाथ बटाऊंगा कि नहीं। बच्चों की वजह से आपके भी समझ में आ गया है हाँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता कुलविंदर जी, क्यों बच्चों के लिए अपने गुरूर को अपने आत्मसम्मान को पीछे छोड़ा जा सकता है नहीं। ठीक है छेती कर, टिफिन पकड़ा मैनू और रब दा नाम ले, चलो चलो। ओए चक्रूलाल क्या हो गया तेरे को, फिर से चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं वो माइक की आवाज से ना सर फट रहा है। नहीं नहीं वो क्या हुआ होगा ना, कल से इतने सारे कांड किए अपन ने, फिर तेरे को रिलैक्स करने का टाइम भी नहीं मिला, वो इसलिए शायद थोड़े बहुत चक्कर आ गए होंगे। पर तू चिंता मत कर,
और राउंड में ना ये माइक की आवाज नहीं आएगी, राउंड में तो सिर्फ भेप बजर की आवाज आएगी। खेल कर तू, वो देख मेरा नाम है पीछे, तेरा भी नाम है, आजा तशरीफ रखते हैं। हैं? Look at this meme. जस्सी ने जो कहा वो सच हो गया। राह में चलते चलते जस्सी के बाबा जी ने एक दरवाजा बंद कर दिया तो एक खिड़की खोल दी। राह तो दिखा दिया है पर इसे नहीं हमें। पर उसे ऐसे चक्कर क्यों आ रहे थे? छोड़ना ओके। Attention everybody. आप सबको पढ़ाई करने के लिए 3 घंटे दिए गए थे, वो बहुत काम आए। और बजर राउंड के लिए आप सबको एक टीम दी गई, लेकिन वो आपके काम बिल्कुल नहीं आई। मुझे प्रेडिक्टेबिलिटी से नफरत है, इसीलिए दोस्ती, टीम, सेम जगह और सेम कंफर्ट, आई जस्ट हेट इट। ये सारी चीजें इंसान को कमजोर बनाती है, करेक्ट? आई नो ये ग्रुप राउंड, और आप में से कुछ अपने दोस्तों के पीछे छुप के जीतने का मूड बना रही है। लेकिन जो भी मुझे जानते हैं, उन्हें ये पता ही होगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, यानी सेम स्कूल के स्टूडेंट्स एक साथ एक ही टीम में नहीं होंगे। अगर किसी को भी इससे प्रॉब्लम है तो वो अपना नाम SOTY से विड्रॉ कर सकता है। तो शुरू करें नई टीम बनाएं। मैडम जी, वो जी मेरे को पूछना था कि टीम्स क्या पूरी तरह से नई बनेंगी, मतलब ब्रांड न्यू? तकलीफ तो मेरे को कभी होती नहीं जी, चाहे आप मेरे को चक्कर गिन्नी की तरह घुमा दो। बट मैम, बट ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है तो इसमें ग्रुप्स कैसे मिक्स कर सकते हैं? यहाँ मैं डिसीजन लेती हूँ, तुम नहीं। यहाँ एक ट्रॉफी, जिसका मतलब ये है कि रैंकिंग भी इंडिविजुअल होगी। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन से टीम में हैं? Just concentrate on your performance and leave the rest to me. Correct? All right. So here are the new team. Team A. अंकिता, आपित, रेशमा, आकाश और पिंकी। टीम बी, आदित्य, टीम डी में है जसविंदर, जॉन्टी, ग्रीवा, वैभव और श्वेता। जस्सी, तेरे को और मेरे को तो अलग कर दिया। कोई बात नहीं, जॉन्टी भी अपना ही यार है, हैं? कोई नहीं। जॉन्टी को इस पढ़ाकू के साथ कर दिया। I'll make sure that they lose. और अब the final team, team E. रिया, राहुल, विकी, सैम
और रश्मि। सो हियर आर योर फाइनल टीम्स, एनी क्वेश्चंस? वैसे भी ना मुझे सवाल पसंद है और ना ही सवाल पूछने वाला। नाउ लेट्स मूव ऑन। रमेश? क्या रमेश नहीं है? कहाँ गया? आउटस्टेशन? अरुण जी, सुरेंद्र खुराना जी के यहाँ से खाना आया। अच्छा अच्छा, मिस्टर कुलविंदर जी। करेक्ट करेक्ट। वेटर, इसको लेके जाओ। पता नहीं किसकी शक्ल देखी है, सुबह से पूरा दिन खराब जा रहा है, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं हो रहा। थैंक गॉड कि आप टाइम पर आ गए, मैं आपको ही फोन करने वाला था। हमारी सर्विस तो एकदम टाइम पे है जी। हाँ। टॉप सर्विस है, खाना बेहतरीन, बिल्कुल, और डिलीवरी टाइम पे। हाँ। आप चेक करो एक बार, और एक बार आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप हमसे बार बार मंगवाओगे, है ना? हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर देखिए, मैंने आपको बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी अनुभव के बिजनेस का मौका दिया, करेक्ट? एकदम करेक्ट। इतने आभारी हम आपके अरुण जी। अगली बार ऑर्डर में आपके लिए एक स्पेशल डब्बा आएगा, मीठे का, जो भी आप, केक, गाजर का हलवा, जो भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप आभारी हैं तो हमारा शुक्रिया अदा कर दीजिए। माल खुद तुसी हुक्म करो जी। एक बंदा चाहिए, एक्टिंग करनी है, छोटा सा काम है। एक्टिंग? हाँ। उसमें मैं क्या करूं? एक्टिंग करनी है, क्लाउन की एक्टिंग। वो जो क्लाउन होता है ना सर्कस में, बच्चों को हंसाता है, उनके चेहरे पर खुशियां लाता है। जोकर? हाँ हाँ, वही जोकर। आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, आप बच्चों के क्लाउन बन जाइए। अरे मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। देखिए ज्यादा सोचिए मत, आपके खाने का बिल कितना हुआ? सिर्फ 9,000 रुपए। ऊपर से मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ सिर्फ एक घंटे के। लीजिए, मैं अभी के अभी कैश दे देता हूँ आपको। अभी भी आप सोच रहे हैं कम है? अरे तो मैं 10,000 रुपए और देता हूँ ना। ये लीजिए 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज ओनली फॉर 1 आवर। ओ, ये दिव्या मैडम ने तो गेम की पूरी काया पलट दी। अच्छा भला मैंने सोचा था, मैं पुशअप मार रहा था, बजर दबाऊंगा, तू जवाब देगी। ये तो टीम ही चेंज कर दी, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं वीरे, दादाजी के बताए हुए कहानियाँ और पापा जी के बताए हुए शहीदों के किस्से कब काम आएंगे? मेरे को पता है तू बहुत अच्छा करेगी। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक वीरे। जस्सी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अंकिता, तुमको भी। थैंक यू। होप तुम्हें सब कुछ याद है बेबी, मेरी वजह से तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। डोंट वरी आदि, मॉमजी की वजह से आई एम फाइन, सो जस्ट टेल। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। ऑलराइट एवरीबॉडी, टेक योर सीट। क्या बनने को कह रहे हो मेरे को? मैं जोकर बन? कमाल कर दिया, मेरी खुद की दुकान है किताबों की, बहुत सारे लोग आते हैं उस दुकान में। यहां ये काम करते किसी ने मेरे को देख लिया तो क्या क्या इज्जत रह जानी मेरी? कौन पहचानेगा आपको? और कौन सा ओबराय साहब के साथ आपका रोज का उठना बैठना है? आप क्लाउन के कॉस्ट्यूम में होंगे, क्लाउन के मेकअप में, क्लाउन के गेटअप में, दूर दूर तक आपको कोई भी नहीं पहचान सकता। खाने का ऑर्डर लेते हैं हम, ये तमाशे का नहीं लेते हैं, हैं जी? ये लो पैसे अपने। वो हमारे खाने की पेमेंट करवा देना आप, आपके मिले ना मिले हमारी पेमेंट करवा देना आप। अरे अरे एक मिनट कुलविंदर जी, आप तो नाराज हो गए, मेरी हालत पे गौर कीजिए। अरे जरा इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इन बच्चों के चेहरे पर खुशियां ही तो लानी है। अरे इन बच्चों को हंसाने में आपको अपने बच्चों की शक्ल दिखाई देगी, जरा उनके बारे में ख्याल कीजिए। इन बच्चों को आप अपना ही बच्चा समझकर हंसा दीजिए। अरे कुलविंदर जी कर लीजिए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा, प्रिंसिपल की दी हुई डेडलाइन है 10 दिन में फीस भरने की, वो है अपना माउंट एवरेस्ट। बच्चों की वजह से आपके भी समझ में आ गया है हाँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कुलविंदर जी बिल्कुल भी मत सोचिए, मेरी बात मानिए, 20,000 रुपए हैं,
इन रुपए से आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारे तोहफे खरीद लेंगे। 10 सेकंड में बजर राउंड शुरू होने वाला है। नोट डिटेल्स। थ्री टू वन रेडी एवरीवन? यस मैम। करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 पॉइंट मिलेंगे और गलत आंसर के लिए -5। तो प्लीज सोच समझ के आंसर कीजिएगा एंड नो गेसिंग। तो ये बजर राउंड का पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है, दिल्ली सरकार की पार्टी का सिंबल क्या है? झाड़ू। करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है, युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में एक झूठ बोला था, वो क्या था? अश्वत्थामा मर गया, नर नहीं किंजल। और अब तीसरा सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है, गुरुद्वारे का नाम? गुरुद्वारा बंगा साहिब। यू आर राइट वंस अगेन। अब चौथा सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है, मंगल पांडे ने किस जगह ब्रिटिश ऑफिसर पे गोली चलाई? वॉर, मंगल पांडे बारकपुर में गोलियां चलाई थी। मेरा बजर काम क्यों नहीं कर रहा? रिया जब तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगी तो इस राउंड से अपने आप बाहर हो जाओगे।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.